नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में इन दिनों धार्मिक तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जो राज्य की सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मंडल स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए बड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर इसका किसी तरीके से लाउडस्पीकर यानी कि प्रचार प्रसार भद्दे तरीके से किया जाता है तो वो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिला, हनुमान जयंती के मौके पर भी कई जगह कुछ शरारती तत्वों ने बवाल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शांति का माहौल देखने को मिला और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का माहौल रखे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की शाम को पुलिस अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें लखनऊ से पुलिस के बड़े अधिकारी थे, साथ ही मंडल और ब्लॉक स्तर तक के पुलिस प्रशासन के लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मौजूद रहे। योगी ने कहा कि 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद एक साथ है, ऐसे में सतर्कता रखनी होगी। लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व है। संवाद के माध्यम से हमने अनावश्यक रूप से कई जगह को माइक हटाने का लोगों से आग्रह किया था, लोग माइक हटाते हुए लाउडस्पीकर हटाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में 3 मई जो है वो एक बार फिर बड़ा तारीख है, क्योंकि उस दिन अक्षय तृतीया भी है और मुस्लिम समुदाय का ईद जो सबसे बड़ा त्यौहार है ईद भी है। ऐसे में एक बार फिर जो शरारती तत्व है वो इस 3 तारीख पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में पुलिस को सतर्क रहना होगा। जिस तरीके से रामनवमी और हनुमान जयंती पर उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल था, उसी तरीके का शांति का माहौल आगे भी रहे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। हम आपको सर बता दें, इसके साथ ही उन्होंने तमाम जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान यानी कि SSP और SP को भी बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारी लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें, रात्रि में अलग अलग इलाकों में निवास करें, वहाँ पर रुके, ताकि जो क्षेत्र का माहौल है उससे पुलिस अधिकारी परिचित रहें, क्योंकि अगर परिचित रहेंगे, क्षेत्रों में रुकेंगे तो जिस तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है वो स्थिति नहीं हो पाएगी। हम आपको बता दें, DM SSP महीने में एक बार अलग अलग इलाके और तहसील में सर्किल में रुके, ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस के अफसरों को ये भी दिया है कि जो थाने के जो थाने अध्यक्ष बनाए जाते हैं उसमें खास तौर से ख्याल रखे, जिन दरोगा या इंस्पेक्टर पे किसी भी प्रकार का आरोप लगा हो या दागी हो छवि के हो, उनको थाने की जिम्मेदारी देने से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानाध्यक्ष का चयन करते समय सभी पुलिसकर्मी की दक्षता, कर्मठता, सत्यनिष्ठा को भी परखे, दागी व्यक्ति को किसी भी थाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। इसी प्रकार से सर्किल में भी कार्रवाई की जाए, हर महीने थाने के टॉप अपराधियों की लिस्ट जारी कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जहाँ 3 मई को लेकर के बैठक की है, ईद को लेकर के बैठक की है, तो अपराध पर भी इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि SSP का एक बड़ा रोल होता है जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में। थानाध्यक्ष को बनाते समय उनके पूरे छवि के बारे में देखें, साथ ही हर महीने थाने में 10 अपराधियों की, जो क्षेत्र के अपराधी होते हैं, उनकी लिस्ट जारी की जाए और प्रभावी कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी दफ्तर समय से खुले, अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस समय से आए, कैंप कार्यालय में बैठने का धर्रा बंद करें, सरकारी काम वही करेगा जो जिसे आवंटित किया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे तरीके से इस बैठक में अधिकारियों की कर्मचारियों की क्लास लगाई है, दफ्तर समय पर पहुँचने का आदेश दिया है। तो बड़ा बैठक बुधवार की शाम योगी आदित्यनाथ ने लिया लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कई अलग अलग विषयों में उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किस तरीके से जनता की सेवा के लिए उन्हें तैनात रहना। इसके हम आपको बता दें, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में ये भी कहा है कि जो भी शहीद स्थल है वहाँ पर देशभक्ति यानी राष्ट्रभक्ति गीत भी बजाया जाए। जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जब उस सूबे की सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, जिस तरीके से पहले कार्यकाल में लगातार जनता के लिए वो लगे रहते थे, इस बार भी वही स्थिति देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन जो है जनता की जुड़ी समस्याओं पे काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आपसी सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है। हम आपको बता दें, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने ये भी आदेश दिया है कि जिले की GDP बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाएं, प्रमुख चौराहे, बैंकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अपराध रोकने के लिए
सीसीटीवी कैमरे की जो है वो लगाए जाएं, इसके साथ ही जनता से जुड़े सभी विभागों पर समय से कार्रवाई की जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुधवार को एक बड़ी बैठक की है, जिसमें जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर, आने वाले त्योहारों को लेकर अधिकारियों को कड़ा दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए हैं।